13वां अध्याय आगामी 7 मन्वंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें मनु है। यह वर्तमान मन्वंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं, इश्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रशद्र और वसुमान। परीक्षित, इस मन्वंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और रिभु, ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, ये सप्त ऋषि हैं। इस मन्वंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मन्वंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले 7 मन्वंतरों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि विवस्वान की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्ध देव। छाया के भी 3 संतानें हुई, सावर्णी, शनैश्चर और तपती नाम की कन्या, जो सनवरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया, तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मन्वंतर में सावर्णी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस्क आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृत प्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने इनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सूतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वही इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर यही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास, ये 8वें मन्वंतर में सप्त ऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देव गुहिय की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सावरणी 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीच गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मन्वंतर में द्युतिमान आदि सप्त ऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कला अवतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी, उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिषेण आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्त ऋषि। सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसृज की पत्नी विशुची के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंश अवतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावरणी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुच आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्त ऋषि होंगे और वैधृत नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशवतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित, 12वें मनु होंगे रुद्र सावरणी, उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण। तपोमूर्ति, तपस्वी, आग्निध्रक आदि सप्त ऋषि होंगे। सत्य सहा की पत्नी सुनीता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशवतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावरणी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्त ऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में
भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्रपद देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र सावरणी, उरु गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुक्ष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्त ऋषि होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी वितना के गर्भ से बृहत भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्म कांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1000 चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। 14वां अध्याय, मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन आपके द्वारा वर्णित ये मनु, मनुपुत्र, सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु, मनुपुत्र, सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में समय के उलट फेर से जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्तऋषि गण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजापालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत, उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवांतर कल्प का परिमाण सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवांतर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। 15वां अध्याय, राजा बलि की स्वर्ग पर विजय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बाधा क्यों? मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए, हम लोग यह जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरुजी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंडों में से सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़ों और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुमलाते न थे, तथा शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया।
इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को, क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई की। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन आदि उद्यान और उपवन है। उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं, मधुलोभी भौरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती हैं। वहां के सरोवरों में हंस, सारस, चकवे और बतकों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती हैं। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई हैं। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि के गोपुर हैं। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया है। सभा के स्थान, खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायमान है। 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की वेदियां बनी हुई हैं। वहां की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की सी रहती हैं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार देदीप्यमान होती हैं जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि। देवांगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नवीन सौगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहां के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल निकल कर वहां के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवांगनाएं जाती आती हैं। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदोवे तने रहते हैं। सोने की मणिमय पताकाएं फहराती रहती हैं। छज्जों पर अनेकों झंडियां लहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहां सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, वीणा, वंशी, मंजीरे और रिष्टियां बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित हैं वे ही वहां जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूं कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाई कि मेरी शत्रु की इतनी बढ़ती का, जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहां से आ गया है कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है? देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूं। ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है।
सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोकों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 यशोमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृत कृत्य सा मानने लगे। 16वां अध्याय। कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ, वे अनाथ सी हो गईं। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि न तो वहां सुख शांति है और न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट ही। परीक्षित, जब वे वहां जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार कर लिया तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, बोले, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है। धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है। काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है। प्रिय, गृहस्थ आश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा है। यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो। अतिथि आए हो और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हो। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही हो। इसी से तो तुम उदास नहीं हो रही हो। जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान है। प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न रहा हो और समय पर तुमने हविष्य से अग्नियों में हवन न किया हो। सर्वदेवमय भगवान के मुख हैं ब्राह्मण और अग्नि। गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल से हैं ना? अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी यह दासी सब सकुशल हैं। मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी ना हो जाए। आर्य पुत्र, समस्त प्रजा, वह चाहे सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और कुछ शरीर से। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति, चाहे असुर हो या देवता, एक सा भाव रखते हैं, सम है। तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मेरे हिताशी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं,
इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तब वे कुछ विस्मित से होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की रज्जू से बंधा हुआ है, कहां यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर और कहां प्रकृति से परे आत्मा। न किसी का कोई पति है, न पुत्र है और न तो संबंधी ही है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु हैं, अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें। पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूं, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, उनकी आराधना की वही विधि मुझे बतलाइए।